दोस्तों क्या आपको पता है फैक्ट्री में नकली चिकन कैसे बनता है, फैक्ट्री में नकली चिकन कैसे तैयार किया जाता है इसे बनाने के लिए, और किन जानवरों की चर्बियों का इस्तेमाल होता है, उन बिचारों के साथ कितना शोषण होता है। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद कदम, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस, नागपुर वेटरनरी कॉलेज नागपुर। दोस्तों अभी आपने जो ये वीडियो देखा है, ये वीडियो 5 दिन पहले कोई एक नवीन सिंह धामी नाम के एक बंदे ने जानबूझकर लोगों में एक तहलका मचाने के लिए और खुद को एक थोड़ा सा उसको फेसबुक पे लाने के लिए, आम आदमी को गुमराह करने के लिए फेसबुक पे बिना कोई इन्फॉर्मेशन के ये वीडियो उसने डाला हुआ है। एक प्रोफेसर होने के नाते, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मुझे ये लगा कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे वीडियो में इस नवीन सिंह धामी ने सारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आम आदमी तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश की है। इस वीडियो में उन्होंने काफ़ी बार, आपने देखा होगा, इस तरह का कुछ एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुर्गियों में ये टीकाकरण करने के लिए ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम वैक्सीनेटर बोलते हैं, ये वैक्सीनेटर यूज़ होता है, जिसे हम ऑटोमेटिक वैक्सीनेटर बोलते हैं। इस वैक्सीनेटर के द्वारा पोल्ट्री में कोई तरह का, कोई गैरकानूनी, कोई केमिकल, कोई हार्मोन नहीं दिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम इस नवीन सिंह धामी ने इस वीडियो के थ्रू किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में उन्होंने मुर्गियों में कैंसर, बीपी ऐसी काफ़ी जानलेवा बीमारियों के उसने नाम इसमें लिए हैं। हालांकि इस तरह की कोई भी बीमारी मुर्गियों में अभी तक पाई नहीं गई है। इस नवीन सिंह धामी ने एक स्टार सीक्रेट टीवी चैनल को माध्यम से उस चैनल को बढ़ावा दिया है और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले, और उसके थ्रू खुद को कैसे पैसे बटोरने मिले, इसका उसने इसमें से पूरा टारगेट किया हुआ है। यदि अगर ये वाकई कुछ सही होता तो उस बंदे ने उसका खुद का नंबर या उसका खुद का ईमेल आईडी उस वीडियो में दिया होता, लेकिन आप पूरे वीडियो में देखिए उसने कहीं भी उसका खुद का नाम या खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। वाकई ही अगर आप इस पोल्ट्री व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हो, पोल्ट्री खाने वाले हो, चिकन खाने वाले हो, अंडे खाने वाले हो, तो आप मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे बिना झिझक फ़ोन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इस पोल्ट्री व्यवसाय के बारे में, मुर्गियों को किस तरह से पाला जाता है, किस साइंटिफिकली उनको दवाइयाँ दी जाती है, साइंटिफिकली वैक्सीनेशन किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं आप सब लोगों को एक अगवा करना चाहता हूं कि ऐसी अफवाह फैलाने वाले नवीन सिंह धामी अपने यहाँ नए नए बन रहे हैं, इन लोगों से आप थोड़ा दूर रहे, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप अगर चिकन खाने के शौकीन हो तो ब्रॉयलर हो या देसी मुर्गी हो या देसी अंडा हो, आप बिना झिझक अंडा खा सकते हो। और अंडा खाना और चिकन खाना सेहत के लिए बिल्कुल सेहतमंद है, आप खा सकते हो। अगर आपको मेरे बारे में या मुर्गी के बारे में, अंडे के बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए, तो चिकन का सच ये मेरा जो चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप हमेशा देखते रहिए।